हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं 2018 टोयोटा यारिस का, जो कि वी वेरिएंट है 1.5 ऑटोमेटिक। तो ऐसी है इसकी की और ऐसी गाड़ी की फ्रंट लुक। इसमें आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और यहाँ पर आपको मिलती है इंडिकेटर्स और ये रेडिएटर ग्रिल और यहाँ पर आपको मिलता है टोयोटा का लोगो और नीचे मिलते हैं आपको हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप्स। ऐसी गाड़ी की साइड लुक। ये इसके टायर्स जो कि आपको 15 इंचेस के मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज 185/60 R15 यानी कि 15 इंचेस के टायर्स है और ये अलॉय व्हील्स है और बीच में आपको मिलता है टोयोटा का लोगो और इसमें आपको चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और ये इसके स्टाइलिश ORVMs जिसमें आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं और नीचे आपको मिलती है बॉडी क्लैडिंग और ये इसके डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड और यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। ऐसी है गाड़ी की रियर लुक और ये इसके स्टाइलिश LED टेल लैंप्स, यहाँ पर आपको मिलती है टोयोटा का लोगो, यहाँ पर आपको मिलती है यारिस की बैजिंग, यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 वी वेरिएंट की बैजिंग और यहाँ पर आपको मिलते हैं चार पीछे के सेंसर्स और फ्रंट 2 सेंसर्स और यहाँ पर आपको मिलता है इसका कैमरा। करते हैं बूट को ओपन। इसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग और ये इसकी 476 लीटर्स की बूट स्पेस। यहाँ पर आपको मिलता है स्टॉप लैंप और बोनेट में आपको क्लैडिंग भी दी गई है, काफ़ी बड़ा बूट है। और ये इसका फ्यूल लिड और यहाँ पर आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। करते हैं कार को ओपन। ऐसा है गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पर आपको मिलते हैं विंडोज़ के कंट्रोल्स, ये अनलॉक के कंट्रोल्स, ये विंडोज़ लॉक करने के कंट्रोल्स, ये ऑटोफोल्ड ORVM के बटन और ये ORVMs को एडजस्ट करने के लिए। ऐसी है गाड़ी की ड्राइवर सीट जिसमें आपको हाइट एडजस्टर भी मिलता है और ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और नीचे मिलते हैं आपको फ्यूल लिड और बोन और बूट ओपन करने के लिए। ऐसा है गाड़ी का 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। करते कार कौन, बीच में आपको मिलता है टोयोटा का लोगो, यहाँ पर आपको मिलते हैं कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको मिलते हैं MID के कंट्रोल्स, ये इसका स्पीडोमीटर और ये MID। और ये पार्किंग सेंसर्स के बटन्स और ये MID और यहाँ पर आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स, ये इसका IRVM, ये लैंप्स और ये सनग्लास होल्डर और ये है ड्राइवर साइड सनशेड विथ वैनिटी मिरर और ये पैसेंजर साइड सनशेड विथ वैनिटी मिरर और ये इसके स्टाइलिश एसी वेंट्स और ये इसका 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, CD, USB, AUX और बहुत कुछ। और ये इसका ऑटोमेटिक AC
और ये इसका ग्लोव बॉक्स जो कि कोल्ड मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलती है थोड़ी सी स्पेस। ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और ये मैनुअल हैंड ब्रेक, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और ये इसका आर्मरेस्ट। और ये MID जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी। और ये पेडल्स, चलते हैं गाड़ी के पिछले सीट्स पर। ऐसी है गाड़ी की रियर सीट्स विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स और बीच में आपको मिलता है हैंडरेस्ट। और यहाँ पर आपको मिलता है एसी वेंट पीछे के पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पर आपको मिलते हैं एसी के कंट्रोल्स और ये रीडिंग लैंप। और यहाँ पर आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। इसी गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक और ये ग्रैब हैंडल्स चारों तरफ। करते हैं इंजन को ऑन और देखते हैं इसका पेट्रोल इंजन। तो ये इसका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 104 bhp की पावर जनरेट करता है और 140 Nm का टॉर्क। बहुत ही साइलेंट इंजन है और 17 का एवरेज मिलेगा 45 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।